हमारे मुंबई शहर में कई फ्रॉड कंपनीज हैं जो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करती है, अपने क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड करती है, और ऐसी बहुत सी है जो एम्प्लॉयज़ के साथ भी फ्रॉड करती है। उनकी सैलरीज नहीं देती, उनके FNF नहीं देते। तो मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट्स डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी, जो गोरेगांव में थी, अब वो लोग देहरादून भाग गए हैं। यहाँ पे पिछले 15 सालों में उन्होंने कई फ्रॉड किए क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ। आई थिंक 15 सालों में 300-400 एम्प्लॉयज़ या उससे भी कई ज़्यादा होंगे जिनकी उन्होंने सैलरीज फ्रॉड कर ली। लाइक 2 से 6 महीनों की सैलरी फ्रॉड की है, ग्रेजुटी कई की फ्रॉड की है, और ये सारे फ्रॉड कर अब वो देहरादून भाग गए। मुंबई में गंद मचाकर अब वो देहरादून की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको लूटेंगे। इनकी ओनर है नियति शाह, जो सबसे बड़ी फ्रॉड है। उसने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है, कई अपने एम्प्लॉयज़ जो जिनकी कमाई वो खाती है उन्हीं की उनके ही हक के पैसे वो लूट लेती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, 2 महीनों की सैलरी मुझे भी नहीं मिली, लाइक 2 साल हो गए मुझे। और ऐसे कई है जो सालों से रुके हुए, उनको डेट्स पे डेट्स देके और फिर एक दिन गायब हो जाते हैं। देहरादून भी वो लोग ऐसे ही नहीं भागे, उन्होंने लाइक रिसेंटली उनका एक फ्रॉड केस साबित हुआ, जो मिडडे पर आर्टिकल उसका अवेलेबल है, 41 लाख का फ्रॉड केस उन पर प्रूफ हुआ। ये छोटी अमाउंट है, अगर ठीक से देखा जाएंगे तो उन लोग ने कई बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं। एम्प्लॉयज़ के फ्रॉड ही करीब करोड़्स में होंगे। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो इन ऐसे फ्रॉड से बचे, और स्पेशली ये देहरादून के लिए, देहरादून वालों के लिए है कि ये कंपनी देहरादून में ओपन हुई है, तो आप इससे बचिए। ये फर्स्ट ईयर है उनका, तो मे बी वो अच्छा लाइक बिहेव करे और टाइम टू टाइम सैलरी दे, बट ये आगे फ्रॉड करेंगे ही, क्योंकि इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। और नियति शाह की फितरत है फ्रॉड करना, तो वो फ्रॉड करेगी ही करेगी, वो लोगों की सैलरी खाएगी ही खाएगी। तो ये फ्रॉड कैसे करते हैं, इनका एक पैटर्न है, ये आपको हायर करेंगे, फिर काम कराएंगे, फिर आपको शायद फर्स्ट मंथ सैलरी प्रॉपर दे देंगे, और उसके बाद ये आपकी सैलरी होल्ड करने लगेंगे कि फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, कंपनी लॉस में एक्सेट्रा रीज़न। फिर ये 2-3 महीने के डिले पर पेमेंट करने लगेंगे, फिर ये एक टाइम पर लाइक 6 महीना 1 साल जैसा उनके नीड के ऊपर वो आपको बोल देंगे कि आपको अभी रिज़ाइन करना पड़ेगा, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, बुलशिट। देन फिर वो आपको फोर्स करेंगे, लाइक आप पे दबाव डालेंगे कि आप लाइक रिज़ाइन कर दो ऑन स्पॉट, वरना आपके जो पैसे अटके वो FNF आपको नहीं मिलेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी एक्सेट्रा, ये सब बोलेंगे। और आपने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद को FNF के लिए ऐसे दौड़ाएंगे जैसे जैसे हम कर्ज़ा मांग रहे हैं, हम हक का पैसा मांग रहे हैं और ये देंगे नहीं। ये लाइक तारीख पे तारीख देते रहेंगे, फिर आप फॉलोअप लेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं देंगे। 10 बार फॉलोअप करोगे तो 1 बार जवाब दे देंगे, वो भी कोई अगर अच्छी HR होगी या कोई अच्छा HOD हो सब होगा तो वो लोग जवाब देंगे। और बाकी नियति जो है उसकी ओनर नियति शाह, वो तो इतनी लाइक इतनी बड़ी फ्रॉडी है, इतना एटीट्यूड है उसको फ्रॉड करके कि वो आपको लाइक कोई जवाब नहीं देगी, आपको सीधा ब्लॉक कर देगी। आप टेक्स्ट करोगे तो सीधा ब्लॉक कर देगी, और अगर आप कॉल करोगे और बाई चांस उसने उठा लिया तो बोलिए आप बिज़ी हूँ, या फिर वो टेक्स्ट का बिज़ी वाला डाल के तुरंत आपको ब्लॉक कर देगी जैसे आपने पैसों की बात की। तो इतनी लाइक फट्टू है, लेकिन लोगों का पैसा खाने में बहुत आगे, उसमें नहीं डरती है, बाकी उनका सामना करने में डरती है। और अगर आप ऑफिस गए तो अंदर होके भी और बोलेगी कि नहीं है ऐसा बोल दो, मतलब सामने नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट तो हो रहता ही है ना कि लोगों का पैसा खा के बैठी है। तो ये स्पेशली देहरादून वालों के लिए है, लाइक प्लीज़ इस फ्रॉड कंपनी से बच के रहना। अगर ये आपकी सैलरी नहीं दे रहे टाइम पे, और अगर रिज़ाइन करने पर ये आपको 1 महीने में पैसे नहीं दे, तो आप पुलिस में जाना, जितने लोग हो सके प्रेशर बनाना, क्योंकि ये ऐसे पैसे नहीं देंगे। यहाँ मुंबई में कई लोगों के पैसे वो फ्रॉड करके भाग चुके हैं, 2 से 6 महीनों की सैलरी फ्रॉड की है, ग्रेजुटी फ्रॉड की है, ये सब का। इसमें से कुछ कंप्लेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी गूगल रिव्यूज़ पे, ग्लास स्टोर पर, जो इनका सारे रिव्यूज़ में एक चीज़ कॉमन है, हर जन ने फ्रॉड मेंशन किया है।
और इसके नियतिशा के और भी कंपनीज है, त्वरिता, आरजीबी टैलेंट्स, बिस्कुट टीवी, अर्था चैनल, तो ये सब भी उसके अंडर ही, और ये सब भी फ्रॉड है। यहाँ पे भी आपके पैसे अटकेंगे, तो आप बच के रहिए। और ऐसी कई कंपनीज है मुंबई में और ऑल ओवर इंडिया में जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी फ्रॉड करती है, ग्रेजुटी फ्रॉड करती है, क्योंकि इतने लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है, पुलिस इस मैटर में पड़ती नहीं है। वो लाइक वो कहती है कि उनके अंडर नहीं आता, हमें लेबर कोर्ट जाना पड़ता है, और ये लोग तारीख पे तारीख बढ़ाते हैं या फिर कुछ, ये डरते ही नहीं है और ये और फ्रॉड करते रहते हैं, क्योंकि इनको वीकनेस पता है अपने सिस्टम की। और अगर आपके पास ज़्यादा नंबर है तो इस पर थोड़ा बहुत असर गिरेगा, वरना ये ऐसे ही फिर फ्रॉड करेंगे 10 साल, फिर दूसरे लोकेशन पर भाग जाएंगे और ये ज़िंदगी भर भागते रहेंगे। ये इनको लोगों का पैसा खाना ही इनकी लाइक रोजी रोटी है। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए।